प्राचीन हिंदू वैदिक उत्सव है जो ऐतिहासिक रूप से भारतीय उपमहाद्वीप के मूल निवासी है, विशेष रूप से बिहार, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के भारतीय राज्यों के साथ साथ नेपाल के माधेश क्षेत्र भी। छठ पूजा सूर्य और उनकी पत्नियों उषा और संज्ञा या संध्या को समर्पित है, ताकि उन्हें पृथ्वी पर जीवन के बख्शीश देने और कुछ शुभकामनाएं देने का अनुरोध करने के लिए धन्यवाद दिया जा सके। छठ में कोई मूर्ति पूजा नहीं होती है। यह त्योहार नेपाली और भारतीय लोगों द्वारा उनके डायस्पोरा के साथ मनाया जाता है, जबकि यह एक हिंदू त्योहार है। कुछ मुसलमान भी छठ मनाते हैं। त्योहार के अनुष्ठान कठोर हैं और चार दिनों की अवधि में मनाए जाते हैं। उनमें पवित्र स्नान, उपवास और पीने के पानी, वृता से दूर रहना, लंबे समय तक पानी में खड़ा होना और प्रसाद प्रार्थना, प्रसाद और अर्घ्य की पेशकश करना शामिल है। सेटिंग और बढ़ते सूरज के लिए कुछ भक्त नदी के किनारों के लिए सिर के रूप में एक प्रोस्टेशन मार्च भी करते हैं। पर्यावरणविदों का दावा है कि छठ सबसे पारिस्थितिकी अनुकूल हिंदू त्योहार है। हालांकि त्योहार नेपाल के माधेश, दक्षिणी क्षेत्र और बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के भारतीय राज्यों में सबसे व्यापक रूप से मनाया जाता है, यह उन क्षेत्रों में भी अधिक प्रचलित है जहां उन क्षेत्रों के प्रवासियों के पास है एक उपस्थिति। यह सभी उत्तरी क्षेत्रों और भारत के प्रमुख उत्तरी शहरी केंद्रों में मनाया जाता है। यह त्योहार भारत, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, मुंबई, मॉरिशस, फिजी, दक्षिण अफ्रीका, त्रिनिदाद और टोबैगो, गुयाना, सूरीनाम के पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष रूप से विशेष नहीं है। जमैका, कैरिबिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड गणराज्य, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, मकाओ, जापान और इंडोनेशिया के अन्य हिस्सों। प्राचीन हिंदू वैदिक उत्सव है जो ऐतिहासिक रूप से भारतीय उपमहाद्वीप के मूल निवासी है, विशेष रूप से बिहार, झारखंड और